तो गाइस कैसे हो आप सब, मेरा नाम है अभिषेक और फाइनली यार आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अपना जो Asus का Zenfone Max Pro M1 है उसमें एंड्रॉइड 9.2 पाई का स्टेबल अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। अब ये कोई मजाक नहीं है ना, मैं आपको अप्रैल फूल बना रहा हूँ भाई, 100% कंफर्म न्यूज़ है। टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पर काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पर 1500 MB का ये अपडेट है, एंड्रॉयड पाई का है, ऑब्वियसली स्टेबल अपडेट है और यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे कमाल की बात गाइज ये होने वाली है कि इस जो अपडेट, ये जो अपडेट आने वाला है, इस अपडेट में आपको कैमरा 2 API बाई डिफॉल्ट यहाँ पर इनेबल्ड मिलेगा, यानी कि आप गूगल कैमरे को विदाउट कमांड या फिर कुछ करे यूज कर पाएंगे, रूट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको अपना स्मार्टफोन। तो ये काफी कमाल की बात होने वाली है। और गाइज एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, Asus ने जैसे कि बताया था 15 अप्रैल को ये अपडेट आने वाला था, बट फाइनली यार आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को हमें यहां पर Max Pro M1 में स्टेबल अपडेट देखने को मिल गया है। अब Max Pro M2 वाले लोग भी कमेंट करेंगे, बट यार अभी Max Pro M2 में ये अपडेट देखने को नहीं मिला है। जैसे ही आएगा आपको मेरे चैनल पर न्यूज मिल जाएगी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा देना। बट गाइज मैं आपको चीज बोलना चाहूंगा कि अभी आप अपडेट मत करना। तो गाइज मैं अपने फोन में इसको इंस्टॉल करूंगा और चेक करूंगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टेबल अपडेट है बट यार हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट लुक डालूंगा इसका थोड़ी देर में अपने चैनल पर, और उसके बाद यहाँ पे एक दिन यूज करने के बाद फुल रिव्यू अपने चैनल पर यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो गाइज अभी के लिए इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का, मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक